सो मम्मी जी एंड दीदी तो एकदम खो चुके हैं नागिन में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के अभी 9 बज चुके हैं एंड अपलोडिंग वर्क तो सब कुछ रात में ही कंप्लीट हो गई। एक्चुअली मैंने बाजू वाले वाईफाई इस्तेमाल किया एंड फटाफट से रात में ब्लॉग अपलोड कर दिया। तो सुबह जिम करके एक्चुअली मैंने दुकान पर बैठ गया एंड आज ब्लॉग मैं दुकान पर स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि पापा जी आज लेट आने वाले हैं दुकान पर। सो अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, क्योंकि फटाफट उठ के भाई प्रेशर वगैरह होके सीधा जिम को चले गया एंड जिम कंप्लीट करके सीधा दुकान पे। तो अभी पता नहीं पापा जी कितने देर में आएंगे, अभी तो जस्ट 9 ही बजाए तो वेटिंग करते हैं। जैसे पापा जी आएंगे फिर हम जाएंगे घर पे। तो बस तब तक कस्टमर्स करते हैं या के साथ बेहद हम पीछे बैठ चुके हैं एंड हम बैठते हैं यहाँ पे जो कि हमारे काउंटर के ऊपर बैठते हैं। तो पापा तो आ गए अभी दुकान पे एंड अभी हम घर पे खेलते हैं। बाय पापा, हीरो होंडा लेके ही खेलते हैं मस्त। तो अभी टाइम 11 बज चुके हैं एंड फिलहाल अभी घर पे आ गए, साथ में गाजर भी लेके आ गए। फिर मम्मी जी ने कॉल करके कहा था थोड़ी बहुत कैरेट लेके आना बोल के, तो लेके आ गए एंड अभी चलते हैं घर में। तो फटाफट से फ्रेश अप हो जाते हैं भाई, बहुत ही गर्मी लग रही है मुझे आज। चलो भाई क्या चाहिए, डॉगी रस्ते में खड़ा है जाने नहीं दे रहा अंदर। चलो डॉगी जाएगा मेरे ख्याल से, खोलते ही अंदर गया। चलो कोई नहीं, क्या कर रहे हो? दो मिनट, वो तो सो रहा है खाली, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या करोगे? हाँ खाली सोएगा। चलो कोई नहीं, क्या कर रहे हो आप? रोटी बना रहे हो? कोई नहीं बनाओ, ये लो गाजर चूँकि मम्मी जी ने कहा था एंड अभी मैं भी फटाफट से नहा लेता हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हो? ओहो मम्मी जी का सीरियल चल रहा है। चलो कोई नहीं, आप देखो मैं नहा के आता हूँ। ठीक है, पहले बहुत ही खतरनाक वाला पसीना आ रहा है मुझे आज, गर्मी लग रही है आज तो भाई, पसीने के ऊपर पसीना आ रहा है। पहले नहा लेते हैं। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं एंड अभी जस्ट फ्रेश अप वगैरह होके आए, लेकिन भाई फ्रेश अप होने के बाद में एक खतरनाक वाला पसीना आ रहा है। क्योंकि बाहर इतनी कड़ी धूप है ना कि ऊपर जो भी सीमेंट वाले पत्थर हैं ना, कुछ स्लैब वगैरह नहीं डाले थे जो कि नॉर्मल सीमेंट वाले पत्थर हैं, तो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं एंड जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। तो वजह से बहुत ही कड़क गर्मी लग रही है एंड अभी पहले तो कुछ खा लेते यार, कुछ खाया ही नहीं सुबह से क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिला एंड सीधा अभी दोपहर हो चुका है। तो दोपहर में लंच ही करते, पापा जी भी आ गए अभी दुकान से लंच करते हुए एंड अभी हम भी करते लंच भाई, ना तो ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया, सीधा लंच भी आ गया हम तो। चलो कोई नहीं, मम्मी जी ने बनाया आज राबड़ी, सॉरी दीदी ने बनाया आज राबड़ी की सब्जी एंड रोटी भी है। चलो दो रोटी खा पिए एंड अभी लंच करते हैं एंड पापा को कहते हैं पापा एक कूलर लेके आएंगे घर पे। हाँ अभी नहीं, गांव से वापस आने के बाद लेके आएंगे। ठीक है, हाँ हाँ ना मम्मी, हाँ लेके आएंगे। हाँ, दो नहीं एक बस है यहाँ पे, इतने छोटे से रूम के लिए एक तो काफ़ी हो जाता है, दो जरूरत ही नहीं है, एक ही लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा सा लेके आएंगे तो चल जाएगा, ये गर्मी तो निकल जाएगी। कोई नहीं, पहले तो अभी लंच करते हैं। बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी लगती है यार एक्चुअली। आगे तो कोई नहीं क्योंकि आगे 24 आवर दरवाज़ा खुला रहता है तो वहाँ से हवा पास हो जाती है। यहाँ पे अगर हम फैन ऑन नहीं करेंगे ना फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गर्मी लगती है क्योंकि ये पूरा पैक है ना। तो भाई रात में नींद ही नहीं आती है, बहुत ही खतरनाक वाला पसीना आता है। इसलिए पापा जी को कहा कूलर ला लेंगे बल्कि, सो थोड़े दिनों में लाएंगे। अभी तो फिर भी इतनी कड़क धूप स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि तो अभी तो जस्ट मार्च महीना चल रहा है ना, अप्रैल महीने में या अप्रैल एंडिंग तक आएगी भाई खतरनाक वाली गर्मी। तो फिलहाल भी लंच वगैरह हो चुका है एंड अभी दीदी कर रही है लंच। दीदी हर बार लेट ही करती है, 2 o'clock या 2:30 ऐसे करती है। तो अभी 2:44 बज चुके हैं एंड दीदी अभी कर रही है लंच एंड हमारा लंच हो चुका है। तो मम्मी जी मस्त अपना फ़ोन में बिजी है, इनसे मम्मी को मस्त नागिन देखने का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो मम्मी जी एंड दीदी भी मस्त नागिन ही देख रही है खाना खाते हुए। कोई नहीं, आप दोनों अपना नागिन एंजॉय करो, मैं अपनी नींद एंजॉय करता हूँ क्योंकि 3 तो बजने आ गए, 4 बजे हमें जाना पड़ेगा ड्राइविंग स्कूल के लिए। सो थोड़ी देर में फ्रेश ले लेते एंड अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ 10 या 12 days ही बचे हैं सो कि हमारा लाइसेंस आ जाएगा हमारा हाथ में, फिर हम आराम से कार चला सकते हैं। क्योंकि पापा जी भी अभी मना कह रहे हैं ज़्यादातर कार चलाने के लिए क्योंकि ड्राइवर लाइसेंस नहीं है ना अब तक, तो लाइसेंस आने के बाद में अपनी कार चलाने के लिए कहा है। तब तक जो भी हमारे ट्रेनर सर हैं उनकी कार तो चला सकते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है ना, तो हम तो चला सकते हैं वो कार, लेकिन अपनी कार में कंट्रोल अपने पास ही रखना पड़ता है। तो अभी तक फुल्ली ट्रेन नहीं हुए ना, कुछ 50-60% अभी कार आया है हमें, तो 100% अभी तक आया नहीं है।
तो वो भी आ जाएगा, कोई नहीं, रोज प्रैक्टिस चली रही है हमारी, तो थर्ड दिन में मस्त लाइसेंस आ जाएगा, फिर आराम से चला सकते हैं, फिर डर नहीं रहेगा इतना। तो अभी के लिए थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं एंड 4 बजे मिलता हूँ आपको मैं। तो 4 बज चुके हैं एंड अभी चलते 4 बजे, भाई 4:30 बज गए एंड अभी ट्रेन में भैया को कॉल आया कि बाहर आ जाओ बोल के, दीदी तो ऑलरेडी जा चुके हैं एंड अभी हम भी चलते हैं, लेकिन तो मैं अभी भी आगे नहीं देख रही, आप अभी तक देख रहे हो, पहले कोई नहीं, देखो हम वापस आते हैं ठीक है, 1 आवर में आते हैं, अब 4:30 बज रहे हैं, 5:30 को वापस आ जाएंगे ठीक है, बाय, क्योंकि आधा घंटा मुझे एंड आधा घंटा दीदी को सिखाते हैं, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 1 आवर में वापस आ जाएंगे। तो पहले तो अभी बाहर चलते हैं, एक्चुअली सो रहा था एंड ट्रेन भर का कॉल आ गया, तो फटाफट से उठ के भाई मुँह घर धो लिया एंड अभी बाहर चलते हैं, आ जाएंगे 5 मिनट जो भी टाइम लगता है, क्योंकि नज़दीक है ना, जो मैं उनको दिखाया था उनका ड्राइविंग क्लास का जो ऑफिस है कहाँ पे बोल के, मुझे शायद से 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे कोई नहीं, एंड अभी चलते हैं। कौन आना? दीदी चाहेगी, चलो कोई नहीं, हम जहाँ पे बैठते हैं। सो 15 क्लासेस हमारी ख़त्म हो चुकी हैं एंड जो कि 1, 2, 3 8 क्लासेस और बची हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी कोई नहीं, एंड आज का भी लिखना है, सो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं एंड 16th क्लास भी लिख लिए हैं, चलो कंप्लीट करते हैं अभी 16th क्लास भी। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं एंड ड्राइविंग क्लास तो खत्म हो गई, तो फिलहाल मम्मी जी दीदी जी अभी भी नागिन ही चल रहा है इनका, पता नहीं कब खत्म होगा इनका नागिन देखने का, मेरे ख्याल से जब तक तो पूरा सीजन खत्म नहीं कर लेंगे तब तक खत्म ही नहीं होगा देखने का, एक बार जो भी सीरियल या फिर कुछ स्टार्ट हो जाता है ना उसका पूरा सीजन खत्म हो जब तक देखते रहते हैं मम्मी जी और दीदी, हम भी वॉच करते भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, हमें भी तो पता चले यार। दे आप भी खाओगे कैरेट? चलो कोई नहीं, कैरेट खाते हैं, सुबह से नागिनी चल रहा है एंड अभी भी नागिनी चल रहा है, चलो कोई नहीं हम तो कैरेट खाते हैं, तो मम्मी के लिए भी लेके आया, फिर मम्मी जी भी खा रहे हैं एंड मैं भी खा रहा हूँ, दीदी तो नहीं खाएंगे, दीदी नागिन में घुसे तो आज दीदी रात में नागिन के सपने देखेगी आज की रात, है ना, रात में नागिन डांस करके सो जाना ठीक है, रात में नागिन डांस करेंगे चलो कोई नहीं, चलते हैं दुकान एंड जिम क्लास ज्वाइन करते हैं, दुकान पे जाके गाड़ी वहाँ पे पार्क करेंगे एंड फिर जिम क्लास ज्वाइन करेंगे। दुकान पे तो चाचू आए हैं रिवॉल्ट लेके, ओ भाई वो गिर तो सॉरी, जा चलो बाय बाय पापा, जिम क्लास चलते हैं एंड फटाफट से क्लास को कंप्लीट करके आते हैं, फिलहाल अभी जिम क्लास पर सब कुछ कंप्लीट करके आ गए हैं एंड भाई बहुत ही सजा रहे हैं, जी पहले फैन ऑन करो ना, चलो फैन ऑन ही हो ही गया भाई, बहुत ही स्वेट आ रहा है, तो थोड़ी देर में फ्रेशनेस आएगी, अभी थोड़ी फ्रेश हवा खा लेते हैं, जिम के अंदर तो यार पूरा पैक रहता है ना, तो एकदम घुटन सा लगता है कभी कभार, दुकान पे तो सामान ऐसा है जो भैया एंड पापा जी जमाने में लगे, थोड़े बहुत कार्टून वगैरह ऐसा है जो कि भैया एंड पापा जी जमा रहे हैं एंड यहाँ पे पंखे वगैरह भी पापा जी जमा रहे हैं, चलो कोई नहीं हम भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं एंड फिर घर पे जाएंगे भाई, बहुत ही थकान से आ रही So, मम्मी जी एंड दीदी तो एकदम खो चुके हैं नागिन में से सुबह से नागिन ही चल रहा है एंड अभी मम्मी जी एंड दीदी एकदम खो चुके थे नागिन में, चलो कोई नहीं अभी मस्त काकड़ी खाते हैं, टमाटर एंड जो भी कीरा है खाते हैं, रात में जितनी भी एटिंग कंप्लीट होनी थी उतनी कर ली एंड अभी भाई रात के 12 बजने को आ गए, एग्जैक्टली 11:59 हो रहे हैं, बस 1 मिनट बचा है 12 बजने का एंड भाई बहुत ही देर हो चुका है, तो इसलिए बाहर आके थोड़ी देर वेटिंग करने के लिए बैठ गया, सो अभी तक सब लोग सोए नहीं, अभी तक सब लोग जाग ही रहे, जो कि पापा जी भी जस्ट अभी अंदर गए एंड भैया भी अभी जग रहे हैं एंड मम्मी जी दीदी कोई भी नहीं सोए, सब लोग जाग रहे थे, वह थोड़ी बहुत गपशप वगैरह चल रही थी एंड भाई टाइम को पता ही नहीं चला, 12 बज गए, तो थोड़ी बहुत वेटिंग अभी कंप्लीट कर ली एंड थोड़ी बहुत सुबह करने का प्लान है, भाई 12 बज चुके हैं एंड सुबह भी जल्दी उठना रहता है ना, तो अभी और कितने घंटे, 6 घंटे में हम उठ जाएंगे, तो 6 घंटे की नींद है बस, तो फटाफट से अभी सो जाते हैं एंड ब्लॉग को भी एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।